और आजमगढ़ जनपद से जहां नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव का प्रथम आगमन पर शक्ति केंद्र कुंशल गांव प्रमुख शिव प्रसाद गुप्ता उर्फ मुन्ना भैया के कुशल नेतृत्व में दीदारगंज के अंतर्गत फुलेस मोड कुशल गांव बाजार में बहुत शानदार तरीके से जनसमूह के साथ भव्य तरीके से स्वागत किया गया। शक्ति केंद्र प्रमुख शिव प्रसाद गुप्ता उर्फ मुन्ना भैया के नेतृत्व में बूथ अध्यक्ष सनी गुप्ता, भाजपा सदस्य बूथ कार्यकारिणी में रामचंद्र मौर्या, अनुराग मोदनवाल, भावेश मदिशा, बूथ उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, पप्पू चंद सैनी, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद असलम एवं समस्त ग्रामवासी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता महफूज खान के कुशल गांव शक्ति केंद्र प्रमुख शिव प्रसाद गुप्ता और मुन्ना भैया से कुछ सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं नेशनल खबर लाइन। मेरा नाम है महफूज खान, आज मैं मौजूद हूँ कुशल गांव में। कुशल गांव में नवनियुक्त लालगंज जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी का आगमन हो रहा है और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। आज एक छोटी सी मुलाकात कराएंगे आपसे शिव प्रसाद गुप्ता जी, जो शक्ति के प्रमुख है कुशल गांव के। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और मैं अपने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी के प्रथम आगमन का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और साथ में ही जो मेरे ग्राम सभा के और बूथ कार्यकारिणी के सदस्य थे और जो मेरे मित्र और दोस्त यहाँ थे, जो मेरे साथ इस कार्यक्रम सफल कार्यक्रम करने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और उनको बार बार बधाई देता हूँ। और मैं डॉक्टर किशपुरारी विश्वकर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जिनके संरक्षण में हमेशा हम लोग चलते हैं और जो हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे डॉक्टर किशपुरारी विश्वकर्मा जी का भी बार बार धन्यवाद करता हूँ तथा अपने मंडल अध्यक्ष अजय सिंह का भी धन्यवाद करता हूँ, जो जिनके दिशा निर्देश पे हमने हमको एक जिम्मेदारी जो मिली हुई थी कुशल गांव शक्ति केंद्र प्रमुख के अध्यक्ष जी का स्वागत का, उस कार्यक्रम को मैंने सफलतापूर्वक संपन्न किया। आजमगढ़ जो कि सपा का गढ़ भी माना जाता है और पिछले चुनाव में जिले के सभी सीटों पे भाजपा हार गई थी, क्या 2024 में आप क्या बदलाव कर पाएंगे? देखिए, आप तो पत्रकार हैं और हमें लगता है कि हमसे ज्यादा आप क्षेत्र में रहते होंगे। बदलाव तो हो ही चुका है, इसका उदाहरण आपके सामने है। अभी अभी हम लोगों ने जल्दी आजमगढ़ सदर सांसदीय क्षेत्र, जिसमें हमारे सांसद दिनेश लाल यादव रुगा भैया निर्वाचित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो शुरू ही हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में लालगंज में भी हमारा कमल खिलेगा और जब प्रदेश में चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर 10 के 10 सीटों पर हम फिर से कमल खिलाने में कामयाब होंगे। क्या एक सीट को आप बदलाव का कारण मानते हैं? दिनेश लाल यादव निरुगा जी अगर आजमगढ़ से चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि पूरे आजमगढ़ की जितनी भी सीटें हैं क्या वहां का समीकरण बदल जाएगा? तो हम पूरे देश में 2 सीट वाली हमारे सांसद थे और 2 सीट से आज हम पूर्ण बहुमत में हैं, तो निश्चित तौर पे है कि कहीं ना कहीं हम हमारा जो आजमगढ़ का जो सूखा है वो इस बार अभी तो खत्म हुआ ही है, लालगंज भी खत्म ही हो जाएगा और जब प्रदेश में चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर हम पूर्ण उत्साह के साथ हमारे जो कार्यकर्ता वो लगे हुए हैं। लगता है ये आपकी सोच और जो आपने जो निष्ठापूर्वक जो काम किया है, क्या ये आपको वोटों में तब्दील कर पाएंगे?
देखिए, जो हमारा जो बीजेपी पार्टी है उसमें हमेशा हम कार्यकर्ताओं के लिए कुछ न कुछ सोशल वर्क आते रहते हैं, जिनसे हम जनता के बीच जाते हैं, और जब हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता की जो समस्याएं, जो भी समस्याएं होती है वो हमारे पास आती है, जिसका समाधान निकालने के लिए हम खुद प्रयास करते हैं, और हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी से बात करके और उनकी समस्याओं का निराकरण करवाने का प्रयास करते हैं, और जो सही चीजें होती हैं उसका हम लोग सही तरीके से निदान में निकालते हैं। सबसे बड़ी निराशा जानते हैं जनता में क्या है? एकदम स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा, जनता में एक निराशा प्रशासन को लेकर है कि प्रशासनिक स्तर पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो डिपार्टमेंट में है, जिनके ऊपर जो है सही और गलत करने का फैसला है, वो जनता के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं करते, क्या मानते हैं आप इस चीज को? देखिए, हमने कहा ना आपको कि आप हमसे ज्यादा क्षेत्र में कहीं ना कहीं घूमते हैं, और बहुत सारे जनता से आपका संवाद भी होता होगा। प्रशासन में ये सब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं जो जल्द ही ठीक कर ली जाएंगी, क्योंकि एकाएक परिवर्तन होना संभव नहीं है। फिर भी हमारी सरकार प्रयास में है कि जो ये आपने जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे को पूर्ण रूप से हल किया जाए, और जो भी अधिकारी अभी पुरानी सोच से काम कर रहे हैं उस सोच में बदलाव लाया जाए और उनको ठीक किया जाए। जो भाजपा जिलाध्यक्ष की जो कुर्सी का आपने बदलाव किया, जो जिलाध्यक्ष चेंज हुआ, क्या आपको लगता है कि ये बदलाव जो है सार्थक होगा? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अगर किसी प्रकार का चेंज किया है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ बदलाव सोचकर ही किया होगा। वैसे हमारे जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्रीप्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, वो बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही बढ़िया युवा नेता हैं। इससे पहले वो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, और हमेशा पहले से युवाओं से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्य में रुचि रखते हैं और बढ़िया से वर्क करते हैं। इसलिए उम्मीद है कि अब की बार उनके नेतृत्व में हमारा जो ये लालगंज सदर क्षेत्र है कमल खिल जाए। क्या पिछले जिलाध्यक्ष जो थे दोनों लोग, क्या जनता सीधे समाप्त नहीं कर पाते थे कि जरूरत पड़ेगी जिलाध्यक्ष को बदलने की? देखिये, ऐसी बात नहीं थी। अगर वो जनता से सीधे संवाद न किए होते तो शायद आजमगढ़ सदर सीट उन्हीं के नेतृत्व में जीती गई है, तो वो भी अच्छे थे, लेकिन ये सिर्फ नेतृत्व का फैसला है, और परिवर्तन भाई होता रहता है और होता रहेगा। उसी कड़ी में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल आजमगढ़ में ही चेंज नहीं है, और भी जगह के जिला अध्यक्ष किए गए हैं। हो सकता है सिर्फ नेतृत्व उनको और कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहे, इसलिए उनको प्रमोट करके ऊपर भेजना चाह सकती, इसलिए इस तरह के बदलाव किए गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बयान दिया था कि अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या तो भूमिगत हो गए हैं, तो आए दिन जो ये अपराध हो रहे हैं, जो ये अपराधी कहाँ से आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, अब हमने जो कहा ना, हमारी जो सरकार ने वो बयान दिया था कि अपराधी या तो जेल होंगे या तो प्रदेश से बाहर होंगे, तो निश्चित तौर पर उसके हिसाब से काम करना आप देख लेंगे, कहीं ना कहीं अपराधी ग्राफ घटा ही है, और जिस क्षेत्र में कर रहे हैं यहाँ आप तो जान ही रहे हैं किस तरह के माहौल पहले क्रिएट होते थे और किस तरह के चल रहे हैं, लोगों का चलना दुर्बल था। आज हम लोग सर 10 बजे रात को भी कहीं चले जाए 12 बजे तो सुकून से अपने घर वापसी कर लेते हैं, तो ये परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, और आप जनता के बीच हमेशा संवाद करते तो जनता भी इस बात का नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल, देखिए कैमरे के सामने मैं पत्रकार होने के नाते बिल्कुल खुल के बोलूंगा कि रात के 12 बजे मैं आ जाता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें मैं देखता हूँ प्रशासन के ऊपर जो उंगलियाँ उठाई जाती हैं कि गलत को सही कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्या आपको जानकारी नहीं क्या होता है? देखिए, उसके उस जो क्या, गलत क्या, जो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि शीर्ष नेतृत्व को, जो आपके आला अधिकारी है, जिनके जो आपके ऊपर है, उनको आप ये चीजें बताएं कि प्रशासनिक स्तर पे जो कुछ चीजों की चूक हो रही है, कहीं ना कहीं इंसाफ की लड़ाई जो है कमजोर पड़ रही है? देखिए, हम बता दें, देश का एक स्तंभ चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है, ये जो कमियां आप बता रहे हैं इसके लिए आप लोग खुद ही सक्षम है, और आप ही के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि कहीं गलत हुआ है, जहां गलत होता है वहां कोशिश की जाती है कि उसको सुधारा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जहां तक हमारी जानकारी में इस तरह के मामले हम लोग के संज्ञान में आते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बताते हैं और उसका समाधान भी हम लोग निकालते हैं। आए दिन पत्रकारों के जो केस हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए अभी तो हमारे हमारी सरकार ने जहां तक मुझको पता है पत्रकारों के लिए विशेष तौर पे कहा है कि किसी प्रकार का कोई बदसूरी करता है तो उसको जेल उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और अगर इस तरह के किसी भी मामले को कोई आता है संज्ञान में तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाती है।